हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रतिभा। टेक्निकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में। और मॉड्यूलस ऑपरेटर होता क्या है, देखिएगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर और उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, स्टार्टिंग में जो बच्चे नए होते हैं उनको बहुत कंफ्यूजन होता है, मैम ये तो परसेंटेज का सिंबल है, मॉड्यूलस कैसे है। तो यही चीज आप लोगों का, यही इस कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाया है मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर करता क्या है, ये करता है किसी नंबर को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिटर्न करता है। देखिएगा, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करती हूँ मैं टर्बो C++ में। हमने टर्बो C++ खोला और जल्दी से हम क्या करेंगे, इसको टाइप करेंगे, एक नई फाइल लेंगे और हम इसको नेम देंगे F2 से, क्या देंगे, मॉड ऑपरेटर, क्या देंगे, मॉड। फ्रेंड्स, अगर हम कोई एक्सटेंशन ना दें तब भी बाय डिफॉल्ट हमारी फाइल .cpp में सेव हो जाती है और C के सारे प्रोग्राम्स .cpp एक्सटेंशन के अंदर वर्क कर जाते हैं। तो हम सबसे पहले C में आपको मैंने क्या बताया, हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h। मैंने आपको पहले लेक्चर में मैंने आपको इन हेडर फाइल्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बता दिया है कि हम क्यों इन हेडर फाइल्स को यूज करते हैं। देन वी कम टू द वॉइड मेन फंक्शन फ्रॉम वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। नाउ फर्स्टली वी विल राइट द कंप्लीट स्ट्रक्चर clr/scr, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। Then get C लिख देते हैं, then आगे का कुछ काम करते हैं। अब हमें इसके बीच में काम करना है, क्या करना है, yes। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर एंटर करेंगे। सर पहले हमने लिखा एक नंबर, n नंबर लिया हमने, अब हमें चेक करना है नंबर इवन है या ऑड है यूजिंग द मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो मैंने क्या किया, इसका कलेक्ट किया। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, नंबर को कीबोर्ड के थ्रू एंटर करूंगी। तो हमने मैसेज प्रिंट किया, एंटर अ नंबर, फाइन। देन की आपको पता ही है कि कीबोर्ड से अगर इनपुट लेना होता है तो हम क्या लिखते हैं, स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। फिर जो भी आपने डेटा टाइप लिया है, सपोज इंटीजर लिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने परसेंट डी, उस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। फिर एम्परसेंट एन मीन्स जो वेरिएबल है एन है उसके एड्रेस में ये वैल्यू स्टोर हो जाए जो भी हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे। अब हमें क्या करना है, इफ के साथ यूज करना है। मैं इससे पहले लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ इफ और एल्स के बारे में। इफ एन मॉड टू, सपोज जो भी नंबर है मैं उसको टू से डिवाइड करती हूँ और रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद अगर क्या आता है, जीरो आता है, तो नंबर क्या होगा हमारा, इवन होगा। प्रिंट नंबर is even, else number is odd। ठीक है, हमारा प्रोग्राम बन गया, अब हम इसको रन कराएंगे। अब देखिएगा, सपोज मैं इस प्रोग्राम को रन कराती हूँ, जैसे ही कंट्रोल F9, अब इसमें तो एरर्स आ रही हैं, देखते हैं क्या एरर्स है। यस, अब देखिएगा हेडर फाइल्स में ही हमें क्या एरर है, एरर क्या है कि मैंने जल्दी में STD पहले कर दिया था। हेडर फाइल होती क्या होती है हमारी, stdio.h होती है, बट जल्दी में मैंने क्या कर दिया था, डी को पहले लिख दिया था। कोई बात नहीं, ऐसी मिस्टेक्स होती रहती है नॉर्मल, तभी तो हम कंपाइल करते हैं कि हमें छोटी मोटी एरर्स का पता चल जाए, जो भी एरर्स है, छोटी सी इवन ना छोटी सी भी मिस्टेक होगी आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। तो अब रन करा के देखते हैं प्रोग्राम को, कंट्रोल F9 के थ्रू, शॉर्टकट की होती है रन कराने की, नाउ 0, एंटर अ नंबर, मैंने लिखा 7, नंबर 7 है, नंबर इज ऑड, वी आर गेटिंग द करेक्ट आउटपुट। अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करता है, रिटर्न कर रहा है ऑड, और
अगर मैं दोबारा इसको रन कराऊं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कर देते हैं जिससे थोड़ा क्या है क्लैरिटी है, कंट्रोल एफ नाइन, मैंने लिखा सपोज 10, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, ठीक है, चेक कर रहा है, इट मींस मैं डिवाइड कर रही हूँ तो क्या है? अब मैं सपोज आपको करके दिखाऊं कि 10 को 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, 2 से डिवाइड किया जो भी नंबर है मेरा, तो रिमाइंडर का 0 आता है तो नंबर इवन होता है, अदरवाइज क्या होता है हमारा ऑड होता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया, इवन नंबर को चेक करने का प्रोग्राम करके देखा अभी हमने, अभी हमने क्या करके देखा, प्रोग्राम टू चेक द इवन नंबर यूजिंग द मॉड ऑपरेटर। इन केस आपको रिमाइंडर ही प्रिंट करना है, एक इसका यूज नहीं करना है, आपको क्या करना है सिर्फ रिमाइंडर ही प्रिंट करना है। तो देखिए मैं इसी में कुछ चेंज करके दिखाती हूँ आपको, मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया इंटीजर आर रिजल्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा एन मॉड 10, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करा दे करके देखती हूँ, रिमाइंडर आपको प्रिंट कराती हूँ, सबसे पहले रिमाइंडर इज इक्वल टू परसेंट टी, कंट्रोल एफ नाइन, एंटर नंबर, सपोज मैंने 5 एंटर किया, देखिएगा सॉरी 10 से डिवाइड कर रही हूँ, मुझे क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, आप किसी से कर सकते हैं बट यहाँ पे मैं 2 से करके डिवाइड करके दिखा रही हूँ। अब आपको रिमाइंडर मिलेगा, देखिएगा कंट्रोल एफ नाइन, ये देखिए मैंने सपोज 5 लिखा तो रिमाइंडर क्या है 1, 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, आप मैथमेटिकली डिवाइड करके देख लीजिएगा रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 2 आएगा, बिकॉज 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, अगर हम इसको डिवाइड करके देखें कंट्रोल वेट, देखिए को करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप इसको अगर मैथमेटिकली करके देखें 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं इसको। तो इस लेक्चर में आपने सीखा रिमाइंडर फाइंड करना यूजिंग द मॉडुलस ऑपरेटर, और इवन नंबर को चेक करना, इवन नंबर, इवन और ऑड नंबर को चेक करना यूजिंग द मॉडुलस ऑपरेटर। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में, ये प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया अभी मॉडुलस ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। सो तब तक के लिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।